तो स्टार्ट करते हैं ये मेकअप लुक जो कि है गाउन स्पेशल और वेडिंग सीरीज स्पेशल। तो सबसे पहले मैं अपने फेस को करूंगी हमेशा की तरीके से मॉइस्चराइज। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर मिल्क एंड हनी की क्रीम, ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट है। मैं हमेशा उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा प्रिफर करती हूँ जो मुझे मतलब बहुत अच्छी लगती हैं यूज़ करने के लिए। जब मेरा फेस अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाएगा और सेट हो जाएगा तो यहाँ मैं अपने फेस को करूँगी प्राइम। प्राइम करने के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है मना रनवे का फेस प्राइमर और ये बहुत कम अमाउंट में यूज़ होता है, सिलिकन बेस है। तो इस तरीके से मैं डॉट करते हुए अपने फेस पे इसे लगाऊंगी। तो अब इन दोनों चीज़ों के बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी फाउंडेशन। फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ और ओरिफ्लेम का कलर बॉक्स का फाउंडेशन, इसमें आता है एक ही शेड। तो ये मेरे स्किन टोन से थोड़ा सा डाउन है, हमेशा मैं बताती हूँ जैसे कि, बट ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही एक सटल अमाउंट वाला आपके फेस को एक क्लीननेस देगा। आप देखिए कितनी ब्यूटीफुली ये ब्लेंड हो रहा है। आप अपने नेक एरिया को कवर करना बिल्कुल मत भूलिएगा वरना आपके डबल शेड नज़र आएंगे जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते मेकअप के बाद। अब जब मेरा फाउंडेशन अच्छे से यहाँ पर ब्लेंड हो गया है, अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का एज रिमाइंडर कंसीलर अपने आई के ऊपर। बिकॉज जब भी हम आई मतलब मेकअप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें उसे प्राइम करना अच्छा रहता है, उसे कंसील करना अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैं इसे भी अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो अब यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ फ्रीडम पैलेट और इसमें से ये लाइट मिल्की शेड यूज़ कर रही हूँ। एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैं इसे अपने कंसीलर के ऊपर लगा लूँगी ताकि बिल्कुल एकदम मैट फिनिश आ जाए और मेरा जो आई शेडो है वो एकदम चौकी ना लगे। तो अब मैं यहाँ पे सेम ब्रश की हेल्प से लूँगी ये ब्राउन शेड और इसे मैं लगाऊंगी अपनी क्रीज लाइन पे। तो आप जैसे कि देख सकते हैं सबसे पहले मैंने एक आर्च बनाया अपने आउटर साइड पे और फिर धीरे धीरे हल्के हाथ से मैं इसे ब्लेंड करूँगी, देखिए बिल्कुल इस तरह। जब ये अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा तो अब हम इनर कॉर्नर पे यूज़ करेंगे ये SFR की ब्लूइश टोन वाली आई शेडो पैलेट और इसमें से ये यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल ग्लिटरी ये स्काई ब्लू शेड है, इसे मैं यूज़ कर रही हूँ। सेम ब्रश की हेल्प से मैं इनर कॉर्नर पे अप्लाई करूँगी, जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्के हाथ से डैप करती जाऊँगी और ब्लेंड करती जाऊँगी। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग सा इफेक्ट देने के लिए यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ SFR की ग्लिटर पैलेट और इसमें से मैंने लिया ब्यूटीफुल सा गोल्डन ग्लिटर और अपनी फिंगर की हेल्प से मैं इसे यहाँ पे इनर कॉर्नर पे डैप कर लूँगी। इसके अंदर ग्लू ऑलरेडी मिला हुआ होता है तो आपको किसी भी तरीके की एक्स्ट्रा ग्लू की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो अब सेम पैलेट की हेल्प में से मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये ब्लैक के दो टोन के हैं लाइट एंड डार्क, ये दोनों ही मैं लूँगी और अपने आउटर कॉर्नर को थोड़ा सा और डिफाइन करूंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं सेम ब्रश की हेल्प से लोअर कॉर्नर पर भी लोअर आउटर कॉर्नर पर भी मैं सेम कलर को मर्ज करूंगी हल्का सा स्मोकी कैट आई लुक देने के लिए। मैं यहाँ पे बिल्कुल कुछ ज़्यादा टेक्निक या ज़्यादा चीज़ें नहीं अप्लाई कर रही हूँ, जस्ट एक नॉर्मल से ब्लेंडिंग हेल्प से मैं यहाँ पे ये आई लुक क्रिएट करूँगी। तो अब यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ काजल और काजल के लिए यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे ओरिफ्लेम का दा 1 और इसे मैं अपनी दोनों आई लाइट पे अच्छे से लगा लूँगी अपर एंड लोअर। तो अब यहाँ मैं ले रही हूँ अपना फेवरेट 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 वॉक का आई लाइनर और यहाँ पे मैं बिल्कुल शार्प एक बिल्कुल विंग्ड आई लाइनर क्रिएट करूँगी जैसे कि आप देख सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बिल्कुल मतलब एकदम ब्रॉड भी नहीं है और एकदम थिन भी नहीं है, बहुत ही परफेक्टली ये यहाँ पे मतलब इस आई लुक के संग जा रहा है।
सेम हम अपनी ये दूसरी आई पर भी कर देंगे। तो अब मैंने यहाँ पे लिया है ली का स्केच आईलाइनर और इसे मैं अपनी लगाऊंगी काजल लाइन पे। जैसे आप देख रहे हैं बिल्कुल हल्के हाथ से हम यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ करेंगे और आप देख सकते हैं कि मेरी जो आई का साइज है उससे ज़्यादा बड़ी लगने लग गई है। तो अब जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने सेम कंसीलर लिया है और अपने मैं फेस पे ये कंसीलर अप्लाई करूँगी अंडर आई, जहाँ जहाँ मुझे अच्छे से अपने फेस को कंसील करना है वहाँ पे। इसे मैं अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ मेकअप सेटिंग स्प्रे ग्लैम 21 का और इसे मैं अपने फेस पे स्प्रे करूँगी। स्प्रे करने के बाद मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ये मैं यहाँ पे इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं चाह रही हूँ कि मेरा कंसीलर बिल्कुल परफेक्टली ब्लेंड हो जाए, बिल्कुल भी पैचेस नज़र नहीं आए और अच्छे समय के लिए बेस मेरा टिका रहे। तो यहाँ मैंने सेटिंग स्प्रे का यूज़ किया है इसके लिए। बिल्कुल हल्के हाथ से और टाइम देते हुए इस स्टेप को करें बिकॉज ब्लेंडिंग आपकी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए आपके मेकअप के अंदर। तो अब जब ये अच्छे से ब्लेंड हो चुका है तो हम इसे सेट करेंगे। सेट करने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है ADS का लूज पाउडर, बनाना पाउडर और एक एंगल ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे वहाँ लगा लूँगी जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर का यूज़ किया था। बिल्कुल इसी तरीके से डैप करते हुए हम इसे लगाएंगे। इसे हम एक तरीके से हम कहते हैं कि हम अपने फेस को बेक कर रहे हैं ताकि मैट फिनिश काफ़ी अच्छे से मिले। जब तक ये बेक हो रहा है मेरा फेस तब तक मैं अपने आईब्रोज को सेट कर लेती हूँ। आईब्रो को सेट करने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मॉफी का आईब्रो पेंसिल। इसके अंदर आपको बैक साइड में स्पूली एंड फ्रंट साइड के अंदर आपको आपकी आई पेंसिल मिलेगी, आईब्रो पेंसिल सबसे पहले मैं अपनी आईब्रोज को जब इसे अच्छे से कॉम कर लूँगी देन फिलिंग करूँगी। तो आईब्रो फिल करने के बाद मैं यहाँ पे लूँगी एक ब्लेंडिंग ब्रश और मैंने जितना भी पाउडर यहाँ पे यूज़ किया था लूज पाउडर उसे मैं डस्ट कर दूँगी अपने फेस से जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट का है। जैसे कि आप देख रहे हैं सारा एक्स्ट्रा अमाउंट का पाउडर हट चुका है और मेरे फेस को मिल चुका है एकदम मैट फिनिश। तो अब मैं यहाँ पे अपने फेस पे करूँगी कंटूरिंग। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया ये मिस रोज़ का पैलेट। इसके अंदर आपको कॉन्टूरिंग शेड मिलेगा और एक हाइलाइटर शेड मिलेगा, ये आई थिंक शेड नंबर 2 है। इससे मैं अपने फेस को कॉन्टूर करना स्टार्ट करूँगी। यहाँ आप जैसे कि देख सकते हैं कि मैं कॉन्टूर मतलब बहुत ब्लेंड करते करते कर रही हूँ बिकॉज मतलब कॉन्टूरिंग एक ऐसा स्टेप है जहाँ आपकी फेस बिल्कुल चेंज हो जाता है। आप जहाँ से शार्पनेस देना चाहते हैं आप वहाँ पे इस स्टेप को अप्लाई करते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ। मैं हल्का सा अपना फोरहेड पे भी करूँगी और मैं अपनी नोज़ को भी यहाँ पे एकदम शार्पनेस दूँगी। अपनी लोअर चिन पे ये डार्क शेड अप्लाई करूँगी ताकि अगर जो मेरी लोअर चिन है वो फ्रंट साइड से बिल्कुल भी ना दिखे, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे ब्लशर यूज़ करूँगी और ब्लशर का यूज़ ना करते हुए मैंने यहाँ पे लिया है सेम आई शेडो पैलेट और उसमें से एक कोरल सा ब्यूटीफुल शेड लिया है।
तो सेम ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे और इसे हम डैप करेंगे अपने फेस पे ताकि एक्सेस अमाउंट में जितना भी ब्लशर हो वो बिल्कुल हट जाए। तो हाइलाइटर के लिए भी मैं सेम हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, तो इसे मैं अप्लाई करूँगी जहाँ जहाँ मुझे हाइलाइटिंग करनी है अपने फेस पे। ये मेरा फेवरेट पार्ट है, मतलब ये बिल्कुल दूसरा ही लेवल ले आता है आपके फेस पे जब आप अपने फेस को हाईलाइट करते हैं। बिकॉज लाइटिंग के अंदर आपका फेस जब हाईलाइट होता है तो मतलब जस्ट अमेजिंग, मतलब बहुत ब्यूटीफुल लगता है। हम इसे अच्छे से अपने फेस पे लगा लेंगे। अब मैंने अपने फेस पे लगाया है ब्लू हेवन का लिप बाम और अब मैं कर रही हूँ मस्कारा अप्लाई। तो ML का मस्कारा मैंने यहाँ पे यूज़ किया है और 2 से 3 कोट में अपने आईलैशेस पे लगाऊंगी। मैंने मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि जब मैं फॉल लैशेस अप्लाई करती हूँ, जैसे कि आपने मेरी वीडियोस के अंदर देखा होगा मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मस्कारा ही यूज़ करती हूँ। इसे हम अच्छे से लगा लेंगे 2 से 3 कोट और ये काफ़ी अच्छा मस्कारा है। मतलब अगर आपको एक अच्छे मतलब नॉर्मल बजट के अंदर आपको कोई मस्कारा चूज़ करना है तो आप डेफिनेटली इसे कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे चूज़ कर रही हूँ नायका का ग्रेस लिप शेड और ये इस वक्त का मेरा मोस्ट फेवरेट शेड है, मींस मुझे ये बहुत पसंद है। और ये लिपस्टिक ओ माय गॉड, मींस इतने अच्छे टाइम के लिए आपकी लिप्स पे रहती है, परफेक्टली मैट लुक देती है और इसके अंदर कलर रेंज जो है जस्ट अमेजिंग। तो अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ सेटिंग स्प्रे और अपने फेस पे से अच्छे से अप्लाई कर लूंगी। तो मुझे लगा कि मुझे फॉल्सीज यूज करनी चाहिए तो मैंने यहाँ पे फॉल्सीज यूज कर ली है ताकि मेरा मेकअप और अच्छा लगे। तो अब हेयर स्टाइल करने के बाद कंप्लीट मैं यहाँ पे कर रही हूँ एसेसरीज को कैरी और ये ब्यूटीफुल सी इयररिंग्स मैंने परचेज करे थे यहीं लोकल मार्केट से आगरा के और ये मुझे बहुत पसंद है और मैंने अपनी एक इयररिंग्स का वीडियो भी बनाया था तो मैं उसका लिंक नीचे कर दूँगी अप्लाई। तो फाइनली ये लुक है मेरा रेडी, ये गाउन स्पेशल लुक था और आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आया हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।